नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बीपीएससी के बिहार शिक्षक के क्लास 9 और 10 के लिए विज्ञान विषय के बुक्स के बारे में। दोस्तों हम बात करेंगे और ये दो बुक्स आपके लिए विज्ञान विषय के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये दो बुक किरण पब्लिकेशन के ये दोनों बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि एक बुक आपको विज्ञान विषय का सेल्फ स्टडी गाइड है जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखने को मिलेगा, और दूसरा बुक दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा प्रैक्टिस वर्क बुक, ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साइंस के क्वेश्चन का। तो ये दोनों बुक आपके पास होना चाहिए और इन दोनों बुक का मैंने डिटेल रिव्यू दिया हुआ है। चलिए इस वीडियो में इस बुक के बारे में बेसिक जानकारी हम जान लेते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। जो सेल्फ स्टडी गाइड है दोस्तों किरण पब्लिकेशन का विज्ञान विषय का, इसका जो MRP है 275 रुपये है, और बुक का कोड दोस्तों ध्यान दीजिएगा 4309 है, ठीक है। तो इस कोड को ध्यान में रख के परचेज कीजिएगा। नंबर ऑफ पेजेज आपको देखने को मिलने वाले 296 पेज आपको देखने को मिलेंगे। और वही दूसरा सब्जेक्ट है दोस्तों प्रैक्टिस वर्क बुक है, ठीक है। प्रैक्टिस वर्क बुक के अंदर दोस्तों 280 पेज आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। 280 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। बुक दोस्तों दोनों के दोनों बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों आप देखेंगे, पहला बुक दोस्तों देखेंगे ये गाइड है। इस बुक में आपको थ्योरी प्लस में आपको MCQ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान का ये सेल्फ स्टडी गाइड है और चैप्टर वाइज MCQ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्लास 9 और 10 के कंप्लीट टॉपिक को कवर किया गया है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्लास 10 पहले 9 और 10, उसके बाद लास्ट में आपको MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि आप एक क्लास 9 और 10 के शिक्षक कैसे बन सकते हैं विज्ञान विषय के लिए, तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या समानता है NCERT और SCERT में, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और उसके बाद दोस्तों सामान्य अध्ययन 40 क्वेश्चन 40 अंक के देखने को मिलेंगे। उसके बाद बिहार शिक्षक के लिए सारा कुछ जानकारी आपको देखने को मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। विज्ञान विषय के लिए हमारे आसपास के पदार्थ हो जाएंगे, पदार्थ का भौतिक स्वरूप हो जाएगा, सारा कुछ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो भी है फिगर भी आपको देखने को मिल जाएगा, और सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ कवर किया गया है। सबसे पहले 9th क्लास के सारे टॉपिक को कवर किया गया, उसके बाद 10th क्लास में जो भी टॉपिक है उनको कवर किया गया, बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिस्टमैटिक ऑर्डर में कवर किया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, आपके एग्जाम के हिसाब से इस बुक को डिज़ाइन किया गया है, और इस बुक को पढ़ने के बाद आपको किसी और बुक को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। अब दोस्तों अगर हम बात करें MCQ क्वेश्चन के बारे में, तो जो NCERT और SCERT में जो क्वेश्चन है वो शामिल किया गया है। सबसे पहले 9 का विज्ञान, उसमें जो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड MCQ, और उसके बाद आपको NCERT आपको देखने को मिलने वाला है। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बुक में कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लास 9 के बाद क्लास 10 के MCQ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इस बुक को आप दोस्तों ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये साइंस सब्जेक्ट का दूसरा बुक है दोस्तों, प्रैक्टिस वर्क बुक है, और इस बुक में दोस्तों आप 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें भाग 1 में विज्ञान के 80 क्वेश्चन और भाग 2 में 40 क्वेश्चन, मतलब कंप्लीट आपका एग्जाम का तैयारी हो जाएगा। टोटल 120 नंबर आपको भी पता है कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, 2 घंटे में 120 क्वेश्चन बनाने हैं, तो वही आपको उसी पैटर्न को यहाँ फॉलो किया गया। और सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी देखने को मिलेगा, क्लास 9 और 10 के MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको सेट्स आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले विज्ञान का, फिर सामान्य अध्ययन का सेट आपको देखने को मिलने वाला है, 15 सेट आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से आपको शुरुआत में बेसिक जानकारी आपको दिया गया है इस एग्जाम से रिलेटेड, और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि विज्ञान विषय के अध्याय 1 हो जाएंगे, हमारे आसपास के पदार्थ हो जाएंगे, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद दोस्तों मतलब सारा कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है इस बुक के अंदर, ठीक है। बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बुक बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है ना। और आगे दोस्तों आप देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे, विज्ञान विषय के 80 प्रश्न है, 80 अंक के क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे सामान्य अध्ययन 40 अंक के 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है,
उसके बाद आपको सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन जिसमें मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस सारा कुछ पूछा जाएगा उसको कवर किया गया है। टोटल 120 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दे दिए गए हैं। उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन बहुत ही शानदार तरीके से आपको डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। तो इन दोनों बुक से दोस्तों आप कंप्लीट साइंस का तैयारी कर सकते हैं। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और इन दोनों बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप जीके जीएस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन का ये वन लाइनर जीके का जो बुक आता है बहुत ही फेमस बुक है, इस बुक को ले सकते हैं। ये न्यू लॉन्च हो चुका है 2023-24 का एडिशन। इस बुक का कोड दोस्तों देख लीजिएगा 4195 है, ठीक है। एमआरपी 269 है, जिसपे ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन दोनों बुक का दोस्तों लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा। एमआरपी फिर से बता देता हूँ, 285 रुपये। ये प्रैक्टिस वर्कबुक का एमआरपी है और विज्ञान के गाइड का जो एमआरपी है 275 रुपये है, ठीक है ना। और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।